की इस अहेतु की कृपा और ऐसी अनेक कृपाओं के कारण न जाने कब की ये कथाएं अनवरत हमारे हृदयों में आज तक विराजमान हैं, यो की यों। न जाने कितने वक्ता आए, कितने लोग आके इन्हें ऊपर करके गए, लेकिन नारायण की कृपा का जो भाव इसमें छुपा है वो आज तक जीवित है, क्योंकि वो आज भी इसी तरह अहेतु की कृपा करता है। जब वो देने लगता है तो एक रंक को एक क्षण में राजा बना देता है, और जब वो छीनने लगता है तो अहंकारी का छीनते छीनते इस कदर छीन लेता है कि देखने वाले कह उठते हैं इसका कुछ नहीं बचा। वो बड़ा न्यायी है, भक्त के लिए वो बेईमानी कर देता है, वो सारे अपराध अपने ऊपर ले लेता है कि मैं करना। भगवान को बस एक ही चीज पसंद नहीं है, हर चीज पसंद है। उसने भक्तों की गाली भी खाई है, झूठे बेर भी खाए हैं, झूठे केला और साग भी खाया है, बस नारायण को अहंकार पसंद नहीं है। प्राण प्यारी गोपियों को भी जरा सा ये अहंकार हुआ कि हम स्वयं का बस भान हुआ उन्हें, बस जरा सी हल्की सी आहट ये हुई कि हम बस इतना हुआ और नारायण गए, तो बस अपने होने का भान भूल जाओ और नारायण को अंगीकार कर लो। इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, यही तप है, यही पुण्य है और यही जीवन का पाथे है, यही पुण्यों की पोटली है। किए हुए कर्म से जिंदा है व्यक्ति। आप सोचो कि आप यहां जिंदा रहोगे, कभी नहीं। सुखदेव जब सूर्यवंश की कथा सुनाने लगे तो उन्होंने कहा इसमें इतने प्रतापी राजा हुए हैं, नवग नाबाग दिलीप सर्याती अमरीश, ऐसे बड़े प्रतापी राजा हुए हैं जो अपने पुण्यों के कारण, जो अपने कर्मों के कारण, जो अपनी करनी के कारण, जो सृष्टि में उन्होंने अपनी सेवा भाव, अपने न्यायी भाव, अपने धार्मिक भाव से जो कीर्तिमान स्थापित किए, जिसके कारण वो आज तक जिंदा हैं और आज तक हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनकी कथाएं इतनी बड़ी हैं कि मैं तुझे पूरा जीवन लगाऊं तो भी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। कैसा तप रहा होगा भागीरथ का कि तीन पीढ़ियां वहां खड़ी रही हिमालय पे, एक पैर पर, एक राजा गया, बालक गया, वहीं तपस्या करते करते युवा हो गया, प्रौढ़ हो गया, वृद्ध हो गया, मर गया, और मरने से एक क्षण पहले दूसरी पीढ़ी का बालक आ गया, युवा हुआ, वृद्ध हुआ, केवल अनवरत उस गंगा के अवतरण के लिए तप कर रहे हैं। चौथी पीढ़ी में गंगा आई, ये उनके तप का फल है कि ये गंगा बह रही है, ये कोई जल नहीं है, ये जो आज तक हमारे पापों को धो रही है, ये परम पावनी गंगा, इसमें भागीरथ की चार पीढ़ियों का तप लगा है, ये उसका तप बन के बह रहा है। कैसा प्रचंड तप रहा होगा, कैसा अडिग, कैसा निर्दोष, कैसा शुद्ध संकल्प रहा होगा के सजल मूल जिन सरतन नाही, जिन सरताओं के सजल मूल नहीं है, जो बारिश की नदी होती है, बारिश खत्म होते ही सूख जाती है, तो जिसका मूल भागीरथ है, जिसका मूल इतना बड़ा तप है, जिसका मूल गुरु आज्ञा है, उससे बड़ा सजल मूल क्या हो सकता है। ये अनवरत
हम सभी का कल्याण करने वाली है। एक बार राम के दरबार में ये चर्चा हुई, किसी ने कहा, राम भगवान से कहा कि ऐसा करते हैं, ये जो रघुवंश है इसका नाम राम रघुवंश कर देते हैं। रामचंद्र जी को लगा कोई बुराई नहीं है इसमें, फिर वो चिंतन करने लगे, बोले हो सकता है मैं सोच रहा हूं कोई गलती कर रहा हूं, मैं एक बार सभी से चिंतन कर लेता हूं कि जो रघुवंश है इसका नाम राम रघुवंश कर दें क्या। तो सारे लोग वहां पे बोलने लगे, हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया रहेगा, इसका नाम राम रघुवंश कर देते। सारे लोगों ने जोर जोर से जयकारा लगाया, राम रघुवंश, राम रघुवंश। वहीं एक वृद्ध संत बैठे थे चुपचाप। राम ने देखा ये नहीं जयकारा लगा रहे, ये शांत बैठे हैं, इनको ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। तो बोले क्या ये निर्णय गलत है? तो बोले निर्णय गलत सही तो राजन आप स्वयं निर्णय करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। बोले आज से बहुत साल पहले जब रघु का यहां शासन था, राजा रघु का, तो रावण उस समय भी लंका का राजा था, और रावण उस समय भी इतना ही शक्तिशाली था, और उस समय रावण छोटे राजाओं से, जो आजकल बोलते हैं ना वो दादा टैक्स, मां से वो क्या भत्ता नहीं वसूली, तो उस समय रावण जो है अपने छोटे राजाओं से इसी तरह वसूली करता था कि आपको मैं सुरक्षा दे रहा हूं, आपको कोई हिला नहीं पाएगा, आपकी रक्षा मैं करूंगा, इतना धन मुझे दीजिए, सुरक्षा टैक्स। तो एक बार वो अयोध्या आया, राजा रघु उस समय नदी में सूर्य को अर्घ दे रहे थे। वो महल में आया रावण, उसने कहा रघु कहां है? सभी ने बताया वो वहां है, तो वो वहां पहुंच गया और वहां उसने देखा कि राजा रघु नदी में अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देते देते जल ऐसे छोड़ते छोड़ते थोड़ा जल इस अंगूठे के पास से छोड़ दिया। रावण देख रहा था किनारे पे खड़ा, उसे लगा ये कैसा राजा है, इसे सूर्य को अर्घ देना भी नहीं आता, कि रावण तो बड़ा ज्ञानी था, ज्ञान का अभिमान। रघु जब बाहर आए तो बोले, रावण बोला कि क्यों आपको अर्घ देना भी नहीं आता, आपने जल ऐसे छोड़ा फिर ऐसे छोड़ दिया, ये कोई तरीका नहीं। तो रघु बोले कि आज से यहां से 5 मील दूर एक सिंह जो है गौ को अपना आहार बनाने वाला था, मैंने ऐसे जल छोड़ा उस सिंह को मार दिया है और गौ की रक्षा कर दी है। रावण बोला ऐसा नहीं हो सकता, जल छोड़ने से मार डाला? तो रावण को विश्वास नहीं, तो रावण दौड़ के वायु वेग से वहां गया देखने के लिए। वहां जाके देखा तो सिंह मरा पड़ा था। वो वापस आया, बोला कि हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं लंका का, फिर बोला मैं आपको ऐसा करता हूं, वहीं रेत पे वो लंका का नक्शा बनाने लगा कि ये ऐसे ऐसे, ये एक बड़ा कमरा है, ये देव प्रसादा है, ये मंदिर है, ये इस तरीके से है।